हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और मैंने अपना जो पीएचडी है वो एल्जेब्रा में किया है और स्टूडेंट मैं सीएसआई नेट भी क्लियर हूँ और मैं अपने जो वीडियोस हैं वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और बीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए अपलोड करता आ रहा हूँ। आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, स्टूडेंट्स बोलते हैं सर ये वीडियोज़ कहाँ हैं, तो आप प्लीज़ अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप, मैं यहाँ पे जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उस प्लेलिस्ट में जाके सभी टाइप के मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी, तो वहाँ जाके आप मेरे वीडियोज़ देख सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरा जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर आप जाके कमेंट कर सकते हैं। और स्टूडेंट कहीं छोटी मोटी मैंने हो सकता है प्लस माइनस की छोटी मोटी मिस्टेक है तो आप प्लीज़ वहाँ पर जाके कमेंट कर सकते हैं, सो देट कि मैं उसको रेक्टिफाई करूँ। और मैं जो मेरा पिन कमेंट है वहाँ पे भी मैं उसको डालने वाला हूँ, जिससे कि आपको पता पड़ेगी सर ने इसमें ये मिस्टेक कर दी, सो देट कि उसको आप अवॉइड करें। और स्टूडेंट्स अगर आप सीएसआईआर नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाके अन अकेडमी का ऐप इंस्टॉल करें, देन वहाँ पे आप गजेंद्र पुरोहित सर्च करें, देन आप मुझे वहाँ पे फॉलो करें, सो देट कि मेरे जितने भी कोर्सेज है उन सभी कोर्सेज के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और आप मेरे कोर्स को रेट करें, रिव्यू करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सो देट कि उनको भी इसका बेनिफिट मिले। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज मैं आपके सामने स्टार्ट करने वाला हूं डी मॉर्गन और बैटन टेस्ट। सो स्टूडेंट ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जब रैप टेस्ट फेल हो जाता है तब ये वाले टेस्ट को हम यूज़ करते हैं। और रैप टेस्ट और लॉगरिथमिक टेस्ट से पहले मैं आपको बता चुका हूं। और स्टूडेंट मेरे जो कंपेरिजन टेस्ट है या फिर डीलिमिट रेशियो टेस्ट है, कोची इंटीग्रल टेस्ट है, कोची रूट टेस्ट है, सो बहुत सारे वीडियोज़ मैं इनफाइनाइट सीरीज़ पर अपलोड कर चुका हूं। सो आप यहां पे जो आई टेबल है यहां पे जाके आप देख सकते हैं मेरे वीडियोज़, और या फिर लास्ट में जो स्क्रीन आएगी उसमें आप मेरे जो पुराने जितने भी वीडियोज़ अपलोडेड है वो सब देख सकते हैं। स्टूडेंट मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और बीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा अभी तक अपलोड करता आया हूं और आगे भी मैं करता रहूंगा। आपकी जितने भी कमेंट्स आते रहते हैं मैं देखता रहता हूं कि सर ये टॉपिक पे अपलोड करिए या वो टॉपिक पे अपलोड करिए, स्टूडेंट्स मैं कर रहा हूं और मुझे मालूम है आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, तो उसको देखते हुए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके लिए मैं पूरा कंटेंट अपलोड करूं, आपके साथ मैं हमेशा हूं, आप बिल्कुल चिंता ना करें। सो देखिए आप, अगर आपने मेरा जो चैनल है वो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले, सो देट कि मेरे जो आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। सो स्टूडेंट देखिए डी मॉर्गन एंड बैटन टेस्ट क्या होता है और कैसे हम यहाँ पता लगाएंगे कि सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो द सीरीज ऑफ समेशन यू एन ऑफ पॉजिटिव टर्म इज कन्वर्जेंट, इसकी जो वैल्यू होती है लॉग एन एन यू एन अपॉन यू एन प्लस वन माइनस वन माइनस वन की वैल्यू एक से बड़ी है तो वो कन्वर्जेंट होगा, और इसकी वैल्यू एक से छोटी है तो वो क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है। सो स्टूडेंट यहाँ पे हम चेक करते हैं कि फाइंड द कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट ऑफ दिस सीरीज, तो आप सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, इसका यू एन लिखेंगे। सो यू एन क्या आएगा, देखो वन स्क्वायर थ्री स्क्वायर, तो यहाँ आएगा ये टू एन माइनस वन का होल स्क्वायर, देन ये आएगा टू स्क्वायर फोर स्क्वायर, तो ये आएगा आपके पास टू एन स्क्वायर एक्स पावर एन माइनस वन, है ना। आप चेक करना चाहो कि यार जो एन टर्म है सही है गलत है, तो आप बिल्कुल जब एन की वैल्यू यहाँ वन रखेंगे तो ये फर्स्ट टर्म आएगी, टू रखेंगे तो सेकंड टर्म आएगी, तो बिल्कुल आप चेक कर सकते हैं ये सही है या गलत है। नाउ यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका जो एन प्लस वन टर्म आएगा वो कितना आएगा, वन स्क्वायर थ्री स्क्वायर टू एन माइनस वन का होल स्क्वायर, देन टू एन प्लस वन का होल स्क्वायर, है ना, एन एक बार एन की जगह एन प्लस वन रख के शिफ्ट करेंगे इसको, देन टू स्क्वायर फोर स्क्वायर, ये आएगा टू एन स्क्वायर, देन आएगा टू एन प्लस टू का होल स्क्वायर एक्स पावर एन। नाउ स्टूडेंट हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम चेक करेंगे लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन प्लस वन अपॉन यू एन की वैल्यू, वही रेशो टेस्ट लगाएंगे हम। सो आप देख रहे हैं स्टूडेंट ये टर्म से ये टर्म पूरी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, ये टर्म से ये टर्म भी क्या हो जाएगी हमारी कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास जो टर्म बचेगी वो बचेगी टू एन प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन, सॉरी लिमिट भी लगाना भूल गया मैं, सो यहाँ पे आएगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव, ये आएगा आपके पास टू एन प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन टू एन प्लस टू का होल स्क्वायर, और ये से कैंसिल होगा तो ऊपर सिर्फ बचेगा एक्स। तो स्टूडेंट यहाँ पे एन को हम कॉमन निकालेंगे और हम चेक करेंगे इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, तो देखिए आप लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव यू एन प्लस वन अपॉन यू एन इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव, और यहाँ पे हमने n को कॉमन निकाला तो ये आएगा 2 प्लस 1 बाय n का होल स्क्वायर, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल कर देंगे हम, सो 2 अपॉन यहाँ पे कितना आएगा 2 है तो ये आएगा इसकी वैल्यू, और देन यहाँ पे n की जगह इन्फाइनेट रखेंगे ये जीरो होगा ये जीरो होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो यहाँ से इसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है, सॉरी ये x भी है साथ में इसके, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी x के बराबर आएगी। सो बाय रेशियो टेस्ट सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ x इज लेस देन इक्वल टू वन, है ना, सेकेंड डाइवर्जेंट इफ x इज ग्रेटर देन वन एंड
test is fail if x is equal to 1, है ना? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम x is equal to 1 पे चेक करेंगे. सो एट x is equal to 1, एट x is equal to 1 पे हम यहाँ पे सबसे पहले रैप टेस्ट लगाएंगे. हम पहले भी वही करते थे, और अगर आपका रैप टेस्ट का वीडियो नहीं देखा तो आप यहाँ पे आइटम में जाके देख सकते हैं स्टूडेंट. सो देखिए, हम लोग x is equal to 1 रखेंगे यहाँ पे, और रैप टेस्ट का फार्मूला क्या होता है मैं आपको बता दूँ. यहाँ था लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव n यू एन अपॉन यू एन प्लस वन माइनस वन, इसकी वैल्यू हम निकालते हैं. और अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे एक से बड़ी होती तो वो कन्वर्जेंट होता है, एक से छोटी होती तो यहाँ पे क्या होता है वो डाइवर्जेंट होता है. तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए लिमिट, सबसे पहले आपको ये वैल्यू दे रखी यू एन प्लस वन, इसको उल्टा करना पड़ेगा और उठा के यहाँ रखना पड़ेगा. सो देखिए लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव एन यू एन अपॉन यू एन प्लस वन माइनस वन, दैट इज लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव. तो ये मैं रख ही देता हूँ वैल्यू, है ना. सो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, इसका जस्ट उल्टा वैल्यू, दैट इज ये, है ना. इसका जस्ट उल्टा करेंगे तो 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर, है ना, ऊपर आएगा. यहाँ पे मैं n आगे लिख देता हूँ और ये आएगा 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1. एंड देन इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे x भी आएगा ये, है ना. सॉरी, x को तो हमने 1 रख दिया तो इसको रखने की जरूरत नहीं है. सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव n, देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 4, और इसको मैं इसका एलसीएम लूँगा तो ये यहाँ आएगा, और इसको खोलता हूँ मैं तो ये आएगा 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1, है ना, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, यहाँ पे हमारे पास आएगा 4, देन ये हमारे पास आएगा 8n, ठीक है. नाउ ये आएगा आपके पास 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर. स्टूडेंट ये 4n स्क्वायर से ये 4n स्क्वायर क्या हो गया, हमारे पास कैंसिल हो गया. सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव, यहाँ पे 8n में से 4n गया तो बचा कितना 4n, तो ये बचा आपके पास 4n, देन 4 में से 1 गया तो 3, और ये n अंदर मल्टीप्लाई होगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ. देन इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 4n स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1, है ना. नाउ यहाँ पे हम क्या करेंगे, वही लिमिट n टेंस टू लगाएंगे तो n स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे हम, तो ये आएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव, तो ये आएगा 4 अपॉन 3 बाय n, और ये आएगा 4 प्लस 4 बाय n प्लस 1 बाय n स्क्वायर. स्टूडेंट इसकी वैल्यू n टेंस टू इन्फिनिटिव 0, ये 0, ये 0, और 4 से 4 कैंसिल होगा तो यहाँ से इसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 1 आ रही है. सो यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव n यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 माइनस 1 की वैल्यू किसके बराबर आ रही, 1 आ रही. सो रैप टेस्ट इज फेल, है ना. अगर इसकी वैल्यू एक से ज्यादा आती है तो कन्वर्जेंट होता है, एक से कम आती है तो डाइवर्जेंट होता है, बराबर एक आती है तो क्या होता है, फेल होता है. और जब ये टेस्ट फेल होगा तो हम कौन सा टेस्ट यूज करेंगे, डी मॉर्गन बटन टेस्ट यूज करेंगे. तो स्टूडेंट थोड़ा मैं इसको हटाता हूँ, देन फिर आपको आगे बताता हूँ कैसे इसको आगे लगाएंगे. सो स्टूडेंट अभी मैंने आपको जो डी मॉर्गन बटन टेस्ट बताया था उसके अंदर मैंने आपको बताया था अगर इसकी वैल्यू एक से ज्यादा होती तो कन्वर्जेंट होता है, एक से कम होती तो डाइवर्जेंट होता है. तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालेंगे. तो आपको, आपने इसकी वैल्यू तो निकाल रखी है ना, ये रह गया है ना, ये वैल्यू यू एन मतलब एन यू एन प्लस यू एन अपॉन यू एन प्लस वन माइनस वन, इसकी जो वैल्यू है दिख रहा है इसकी वैल्यू, ये वैल्यू आपने अभी निकाल रखी है ना, और ये वैल्यू किसके बराबर आ रही है, इसके बराबर आ रही है ना. तो मैं आपको बता दूं, आपने जो वैल्यू निकाल रखी है वो यहाँ मैं लिख देता हूँ, है ना, दैट इज यू एन अपॉन यू एन प्लस वन माइनस वन इंटू एन आपने अभी निकाल रखा है, और वो आ रहा है आपके पास 4n स्क्वायर प्लस 3n अपॉन 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1, राइट. सो ये 4n आएगा यहाँ पे, है ना, ठीक है. नाउ अब क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए आप, अब यहाँ पे आपको इसका माइनस 1 करना पड़ेगा. तो मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ क्या करता हूँ, माइनस 1 और माइनस 1 कर लेता हूँ, है ना. तो मैं यहाँ थोड़ा लिखता हूँ. सो स्टूडेंट देखिए आप, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, ये 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1, देन ये आएगा आपके पास 4n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 4n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 1. तो ये 4n स्क्वायर से 4n स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया. देन यहाँ बचा माइनस 1 माइनस ये, और माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो ये आएगा इसकी वैल्यू 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1, ये वैल्यू इसके बराबर है ना, दिस इज माइनस 1, ठीक है. नाउ अब हम क्या करेंगे, इसकी जो भी वैल्यू है इसका क्या ले लेंगे, हम लॉग ले लेंगे ना, लॉग n लेंगे, राइट. तो यहाँ पे देखिए आप लोग, लॉग n n, देन ये आएगा आपके पास, मैं इसको ऐसा लिख लेता हूँ, n यहाँ पे यू एन अपॉन यू एन प्लस वन माइनस वन, ठीक है, देन माइनस वन, एंड देन ये हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी तो ये आएगा लॉग n, एंड देन हमारे पास जो इसकी वैल्यू आएगी माइनस, तो मैं बाहर ही निकाल लेता हूँ, बीमारी खत्म हो जाएगी हमारे पास, है ना. सो ये माइनस बाहर निकाल दिया मैंने, और ये आएगा 1 प्लस n अपॉन 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1, राइट.
और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इसकी लिमिट चेक करेंगे। तो स्टूडेंट देखिए, आप लोग यहाँ पे मैं लगा ही देता हूँ, ये लिमिट लगा देता हूँ, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव, और यहाँ भी हम लिमिट लगा देते हैं, मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, बराबर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव माइनस का लॉग एन, राइट। नाउ अब हम यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए आप लोग, इसकी क्या होगी वैल्यू, मैं इसको एन कॉमन लेता हूँ, तो यह आएगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी माइनस, बाहर रहने देता हूँ मैं, और यह आएगा वन प्लस एन, और यहाँ से ये जो एक एन है, इस एक एन को मैं उधर ले लेता हूँ, तो फोर एन प्लस फोर, यहाँ पे आएगा ये फोर, देन प्लस वन बाय एन आ जाएगा, और इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इसके बराबर, दैट इज लॉग एन अपॉन एन कर दिया मैंने, राइट। और हम जानते हैं लॉग एन अपॉन एन को जैसे एन टेंस टू इन्फिनिटी रखूंगा तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, जीरो। तो यहाँ से आपके पास इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी स्टूडेंट, जीरो के बराबर आएगी, राइट। तो ये जीरो के बराबर आएगी। अब हम जानते हैं अगर इसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है, एक से ज़्यादा आती है तो वो क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है, पर इसकी जो वैल्यू आ रही है वो एक से क्या आ रही है, कम आ रही, दैट इज जीरो आ रही है। सो बाय डी मॉर्गन टेस्ट डी मॉर्गन बर्टन टेस्ट सीरीज इज डाइवर्जेंट एट एक्स इज इक्वल टू वन, हैंस सीरीज इज कन्वर्जेंट एंड एक्स इज एस, किस पे कन्वर्जेंट था यहाँ पे, एक्स इज लेस देन वन एंड डाइवर्जेंट एट एक्स इज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पे क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा, और इस पे क्या होगा ये स्टूडेंट, कन्वर्जेंट होगा। तो यहाँ पे देखिए हम किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, आगे देखिए यहाँ पे ये जो मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि जो भी हमारे पास सीरीज दे रखी थी उसमें हमने सबसे पहले यहाँ पे रेशियो टेस्ट निकाला, रेशियो टेस्ट लगा के हमने क्या करा, एक्स इज लेस देन वन पे वो कन्वर्जेंट आ रहा है, एक्स इज ग्रेटर देन वन पे डाइवर्जेंट आ रहा है, और वन इज इक्वल एक्स इज इक्वल टू वन पे क्या आ रहा है, टेस्ट फेल हो रहा है। फिर हमने यहाँ पे क्या करा, रैप टेस्ट लगाया, और रैप टेस्ट स्टूडेंट क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू वापस वन आ रही है, तो रैप टेस्ट भी यहाँ पे क्या आ रहा है, फेल हो रहा है। देन उसके बाद स्टूडेंट हम क्या करेंगे, डी मॉर्गन टेस्ट लगाएंगे, डी मॉर्गन टेस्ट में हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, देन उसका क्या करेंगे हम लॉग लेंगे, देन इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहां से इसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है, जीरो के बराबर आ रही है, दैट इज लेस देन वन, इसका मतलब ये x = 1 पे क्या हो रहा है, डाइवर्जेंट हो रहा है। सो स्टूडेंट x इज लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे क्या हो रहा है, डाइवर्जेंट हो रहा है। तो स्टूडेंट मुझे लगता है आपको मेरा ये लेसन समझ में आया होगा, अगर आपको तकलीफ आ रही तो प्लीज आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। और स्टूडेंट अगर आप नेट सीएसएन नेट की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपने प्ले स्टोर में जाके अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल करें और वहाँ जाके मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं, सो दैट कि आप अगर नेट और जेईई की तैयारी करें तो वहाँ पे बहुत सारा हेल्पफुल मैं मटेरियल वहाँ पे भी मैं अपलोड कर रहा हूँ। सो बने रहिए स्टूडेंट मेरे साथ, आपके लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं आके भी लेके आता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू।